अलट पुरोधा जो समय के दरख्त पर अपने नाम का ऐसा हस्तक्षेप छोड़ जाते हैं जो सियासत के अमिट रेख बन जाती है। एक ऐसे ही अटल नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपको बता दें कि आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। भारत समाचार की तरफ से उन्हें शत शत नमन। राजनीति दल इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि सियासत में मुद्दा बेचना कैसे है। कश्मीर मुद्दे को लेकर बात कोर्ट तक पहुंची, कोर्ट में सियासत भी हुई, सवाल उठे। अलवर में मॉब लिंचिंग मामले को भी लेकर राजस्थान का सियासी घमासान यूपी के राजनीतिक गर्मी को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस अब हर रंग को आजमा रही है। आज हम बात करेंगे सियासत के इन्हीं पहलुओं की अपने इस खास कार्यक्रम हुकूमत में। अप्रैल के 2017 में अलवर जिले में मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर भीड़ ने पहलू खान और उनके बेटों की पिटाई की। इसके बाद पहलू खान की हुई मौत, मामले में किस तरह से कोर्ट ने अपनी बात सबको समझाई, आरोपियों के बरे होने की खबर भी आई है। आपको बता दें कि प्रियंका ने अभी इस पूरे मामले पर निशाना साधा है ट्विटर के माध्यम से। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अप्रैल 2017 में राजस्थान के अलवर जिले में मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर भीड़ द्वारा पहलू खान और उसके बेटों की पिटाई और 3 अप्रैल को इलाज के दौरान पहलू खान की मौत के बाद कोर्ट ने उन तमाम आरोपियों को बरी कर दिया जो इस मामले में थे को लेकर के प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने कहा, पहलू खान के मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला है। हमारे देश में मान्यता है कि कहीं भी किसी भी जगह इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन भीड़ की हत्या जघन्य अपराध है, लेकिन लोगों को जिस तरीके से बरी किया गया वो चौंकाने वाला मामला है। प्रियंका गांधी ने राजस्थान सरकार के भीड़ द्वारा हत्या के मामले में कानून बनाने की सराहना की और यह भी कहा कि अच्छी पहल है, इससे पहले इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई सीधा कानून नहीं था, लेकिन इस कानून से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद सियासत में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई। इस मामले को लेकर बात उठना भी शुरू हो गया, क्या जांच ठीक ढंग से नहीं की गई, और अगर जांच ठीक ढंग से की गई होती तो ऐसे आरोपी कोर्ट से बचते कैसे। राजस्थान सरकार पर भी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस सरकार होने के बाद भी जांच में तथ्यगत चीजें कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी गई। 2017 में हुई इस घटना के बाद राज्य में काफी गुस्सा था और 2018 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में उस समय की बीजेपी सरकार की लुटिया डूब गई। कांग्रेस की सरकार बनी और उसके बाद पूरे मामले को लेकर फिर कई तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बाद भी जांच चल निकली। वसुंधरा सरकार जाने के बाद गहलोत ने राज्य की कमान संभाली तो बात कही गई कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जांच के लिए पूरे तौर पर नियम कानून को किस तरीके से किया गया और आखिर चूक हुई कहां। अलवर जिले में मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर कैसे जांच अधिकारियों ने किस तरीके से जांच की कि कोर्ट ने साक्ष्य को पर्याप्त माना ही नहीं। प्रियंका गांधी के ट्वीट ने कई सवाल खड़े कर दिए। गहलोत सरकार अगर इस पूरे मामले को गंभीरता से ली है तो फिर जांच में किसी तरह की कोताही बरतने की बात उठी कहां से। मॉब लिंचिंग के इस मामले में दोषियों को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि जांच जिस तरह से हो रही थी अगर उसमें कोई कमजोर कड़ी नहीं होती तो कोर्ट वैसे लोगों को बरी नहीं कर पाता। निश्चित तौर पर यह एक अमानवीय कृत्य है। पहलू खान के साथ जो हुआ वह न्याय के उस दहलीज पर पहुंच चुका था जहां से लोगों को एक संदेश मिलता, लेकिन कोर्ट से जो संदेश मिला है उससे एक बार फिर जांच एजेंसियां ही जांच के दायरे में आ गई हैं। पुलिस ने किस दायरे में जांच की कि कोर्ट के लिए वो पर्याप्त नहीं हुआ, और कोर्ट जिस चीज के पर्याप्त सबूत की तलाश कर रही है उसे जांच के दायरे में रखा क्यों नहीं गया।
राजनीति का खेल भी बड़ा अजीब होता है। अब पहलू खान के मामले पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस जिस समुदाय को लेकर सबसे लंबे समय तक सियासी रोटी सेकती रही है, संभव है कि उसे छोड़ना उसके लिए खतरनाक होगा। पहलू खान उसकी एक बानगी है, कुछ नहीं मिला तो कोर्ट ही सियासत के दायरे में खड़ी हो गई। हालांकि कांग्रेस के वैसे नेताओं को सोचना जरूर चाहिए कि जब सरकार उनकी चल रही है तो उसी सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करने के बजाय कांग्रेस अपने पल्लू में झांक करके ये देख लेती कि आखिर जांच में कमजोरी रह कहां गई। अगर सरकार दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है और जो इसमें पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाना चाहती है तो फिर जांच को उस दायरे में रखा क्यों नहीं गया। पहलू खान की मौत हुई है ये सही है, लेकिन मारा किसने ये बताने में अभी भी राजस्थान की सरकार कोर्ट में फेल ही हुई है। दरअसल इस सियासत के पीछे का जो सच है वो कुछ राज्यों में होने वाला चुनाव है जो जातीय समीकरण की गोलबंदी को साधे बगैर सियासी दलों को जीत दिला नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने प्रभार संभाल रखा है तो ऐसे में इस तरह के मुद्दे हाथ से निकल न जाएं, इस पर तैयारी किए रहना है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर चुनाव होना है जो लगभग 2 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा। ऐसे में सियासी जमीन को मजबूत करना और इस तरह के मुद्दों को छोड़कर चलना कांग्रेस के लिए भारी पड़ जाएगा। कांग्रेस जिस सवालों के बदौलत बीजेपी को घेरने की तैयारी में है उसमें खुद कांग्रेस की राजस्थान सरकार घिर गई है। अब देखने वाली बात यही है कि राजनीति में जब फिर जनता के बीच जाने की बात होगी तो जीतने की कौन सी वानगी ये राजनीतिक पार्टियां खड़ी करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैसे तो कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बन जाती है, लेकिन इसकी धमक दिल्ली तक तख्त में भी सुनाई पड़ती है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ गांधी परिवार का एक और नाम भी यूपी में अपनी धमक रखता है, जो है लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाकर जनाधार जुटाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। किस तरह से, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। यूपी में चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी कांग्रेस अब वापस अपनी हालत मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रही है। साल 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इसके बाद कांग्रेस ने 2019 लोकसभा चुनाव में प्रियंका पर दाव चला। पहली बार प्रियंका सक्रिय राजनीति में आई तो ऐसा लगा जैसे मरी पड़ी कांग्रेस में नई जान आने वाली है। महासचिव के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लेकर प्रियंका गांधी मैदान में उतरी और लगातार मोदी और योगी पर हमलावर भी दिखाई दी, लेकिन प्रियंका के तेवर का आम जनता पर कुछ खास असर नहीं हुआ। नतीजा ये कि यूपी में 80 में से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही हासिल हुई, वो पार्टी की वर्तमान अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ही बदौलत रही। हालात ऐसे बिगड़े कि खुद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी पारंपरिक अमेठी सीट तक गवा बैठे। यूपी में जमीन तलाश रही कांग्रेस। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की नज़र 2022 के विधानसभा चुनावों पर है। चुनाव होने में अभी करीब 2.5 साल का समय है, लेकिन कांग्रेस को खुद को लड़ने की स्थिति में दिखाने के लिए बहुत कुछ करना है। शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी यूपी से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रिय दिखाई पड़ रही हैं। बुलंदशहर हो या सोनभद्र हो या फिर उन्नाव मामला, हर अपराध की खबर पर प्रियंका ट्विटर से लेकर जमीन तक संघर्ष करती दिखाई देना चाहती हैं। शायद प्रियंका गांधी को लगता है कि अपराध एक ऐसा मुद्दा है जिसको आधार बनाकर वो योगी सरकार के प्रति जनता में गुस्सा पैदा कर सकती हैं। अगर कांग्रेस को मुख्य धारा में आना है तो पहले अपने मतदाताओं से, क्योंकि कांग्रेस जिसके जो चाहे वो जातिगत मतदाता कह लीजिए या धर्मगत मतदाता कह लीजिए, वो मतदाता कांग्रेस से दूर हो चुके हैं। अब कांग्रेस के पास अभी नहीं है, कांग्रेस को नए सिरे से मतदाता बनाना पड़ेगा, नए सिरे से संगठन खड़ा करना पड़ेगा। पुराना संगठन, पुराना मतदाता इनका खत्म हो चुका है, इनको नया समाज बनाना पड़ेगा और उस नए समाज में बनाने के लिए इनको त्याग करना पड़ेगा, इनको पसीना बहाना पड़ेगा। चुनाव की तैयारी में जुटी प्रियंका। सियासी गणित को समझे तो प्रियंका गांधी शायद जानती हैं कि कांग्रेस यूपी में अपना सभी वोट बैंक गवा चुकी है।
सवर्ण हो, पिछड़े हो, दलित हो या मुसलमान, सभी अलग अलग दलों के साथ दिखाई देते हैं। लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक अब कौन है, शायद इसका जवाब कांग्रेस के लोगों के पास भी नहीं। इसी बीच बीजेपी जिस तरह मजबूती से चुनाव में खड़ी है, उससे अन्य दलों के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी पहले ही हो चुकी है। अब ऐसे में प्रियंका गांधी अपराध और विकास के नाम पर लोगों में भरोसा पैदा करना चाहती है। बीजेपी सरकार को टक्कर कांग्रेस ही दे सकती है। अपराध के मुद्दों के भरोसे कांग्रेस। प्रियंका गांधी 3 हफ्ते बाद एक बार फिर सोनभद्र के दौरे से अपराध के मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि कितना कारगर साबित होगा ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रियंका की सक्रियता से कम ठंडी पड़ी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में विपक्ष की भूमिका में आकर जूझने का हौसला पैदा होगा और इसकी कोशिश प्रियंका कर रही है। यूपी में गर्त में पड़ी कांग्रेस फिर से उठने के लिए हाथ पैर मार रही है और इसके लिए प्रियंका गांधी ने सोनभद्र को सियासत का नया केंद्र बनाया है। प्रियंका गांधी की इस नई सियासत से कांग्रेस को कितना जनाधार मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। राजनीति दल इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि सियासत में मुद्दा बेचना कैसे है। कश्मीर मुद्दे को लेकर बात कोर्ट तक पहुंची, कोर्ट में सियासत भी हुई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद देश में विरोध और विभेद को लेकर राजनीति जारी है। सरकार भले ही एक राष्ट्र एक संविधान और एक सम्मान की बात कर रही हो, लेकिन एक विपक्ष देश में ऐसा जरूर है जो इस मुद्दे को लेकर घमासान पर उतरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बकरीद बीत गई, जुम्मे की नमाज हुई, विवाद नहीं हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया गया, लोगों ने जीत का जश्न मनाया, विवाद नहीं हुआ। कश्मीर के लोग अमन की उम्मीद लगाए बैठे हैं और जो हो रहा है, बात विवाद और विभेद, ये तमाम चीजें वो नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद भी ये विभेद न्यायपालिका तक पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का केंद्र के फैसले के विरोध में मामला मनोहर लाल शर्मा एडवोकेट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, जिसकी सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि मुकर्रर की गई थी। बीच में आजादी का जश्न मनाने का वह दिन भी था जिस पर पूरे विश्व की नजर इस रूप पर टिकी थी कि कश्मीर किस रूप में इसे लेता है, लेकिन कश्मीर में जो कुछ हुआ उसने मजबूत लोकतंत्र को खड़ा करने के अपने मंसूबे को बल दे दिया। राज्यपाल ने झंडोत्तोलन किया और कह दिया कि जो लोग कश्मीर में हैं और जो लोग कश्मीर से गए हैं उन्हें वापस लाया जाएगा और कश्मीर जिस रूप में जाना जाता था उसे उसी रूप में बनाया जाएगा। कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर पूरा नहीं है। मेरा प्रशासन घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा विश्वास है कि घाटी में कश्मीरी माइग्रेंट की पूरी वापसी केवल घाटी के नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों के समर्थक और सहयोग से संभव है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ एक सामाजिक और सांस्कृतिक बंधन साझा करते हैं। 370 को लेकर कोर्ट में दायर याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई हुई, यह भी किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जब एमएल शर्मा की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर टिप्पणी करते हुए एडवोकेट पर ही अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता को डांटते हुए यह कह दिया कि मैंने आधे घंटे से इसे पढ़ा, इसके बावजूद समझ नहीं आया कि इसमें आप कहना क्या चाहते हैं। यह याचिका मेंशन करने लायक ही नहीं है। कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर जस्टिस के इस तरह के बयान के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हर दिन कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, इसकी समीक्षा हो रही है और वहाँ की जमीन की हकीकत क्या है ये सबको पता है, हम भी जानते हैं। हालांकि मामला यही नहीं रुका, कोर्ट में और एक याचिका सुनवाई के लिए दी गई जिसमें ये कहा गया कि राज्य में हालात ठीक नहीं है, फोन और इंटरनेट सेवा बंद है, न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध है। कोर्ट ने जब इस मामले पर सरकार की राय जाननी चाहिए तो बताया गया कि अभी भी स्थिति में सुधार को लेकर
लगातार कोशिशें जारी हैं, स्थिति सामान्य हो रही है और जैसे ही स्थिति जनजीवन के लायक सामान्य हो जाएगी प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर कुछ राजनीतिक दलों का दर्द को जरूर दिखा था, लेकिन भारत की भावना को समझकर सभी राजनीतिक दल चुप रह गए। ऐसे में पीछे की खिड़की से सबको सस्ता रास्ता कोर्ट जाने का ही दिखता है और उस रास्ते पर इस मामले को एक बार फिर विवाद के दायरे में लाने की कोशिश हो ही गई। हालांकि कोर्ट ने कह दिया कि किसी भी राज्य की व्यवस्था या देश को बेहतर बनाने और उसके जीवन को सुधारने का काम सरकार का होता है और यही काम सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा करके किया है। अब वहां जीवन सामान्य व्यवस्था के तहत हो रहा है, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा है कि वो वहां की बेहतर व्यवस्था को जल्दी से जल्दी लोगों के लायक बनाए। सामान्य जनजीवन की व्यवस्था को बहाल करने के लिए राज्यपाल ने अपने भाषण में जिन बातों को रखा उससे एक बात तो साफ है कि सरकार की पूरी मंशा वहां पर जल्द से जल्द कर्फ्यू को खत्म कर सामान्य जनजीवन बहाल करने का है, लेकिन सियासत है कि स्वतंत्रता में खलल डालने से भी बाज नहीं आती। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका सियासत के उसी संकेत के तरफ है जिसमें मामला उलझ जाने की पूरी कोशिश हो गई थी। कश्मीर अपने आंचल में अमन की सौगात चाहता है और वह इन विवादों से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें यह बर्दाश्त हो ही नहीं रहा है कि कश्मीर में खुशहाली हो, कश्मीर आबाद हो। आखिर कश्मीर की आजादी उन्हें खल क्यों रही है, बड़ा सवाल है। कुछ ऐसे राजनेता भी जिनको राजनीति से पेट चलाना है वो चाहते हैं कि अगर कोर्ट इस पर कोई झटका दे तो शायद उनकी बात साफ हो जाए और ऐसे लोगों को अब यह समझ लेना चाहिए कि नीति के विरुद्ध नियत रखने के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके लिए सब कुछ खराब ही होता है। कश्मीर में खुशहाली के लिए लोग अमन की दुआ मांग रहे हैं और अब इसमें कोई खलल किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगा। कम से कम कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणी की है उससे ये बात तो साफ हो गई है। अब देखना यह है कि मानवीय मूल्यों पर भी सियासत करने वाले लोग कश्मीर का विरोध कहां तक करते हैं और 370 हटाए जाने पर सरकार को घेरने की कवायद कहां तक लेकर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एक कवि जिसने सियासत में उतरते ही भारतीय राजनीति की छाती पर एक नया अंकुर उगा दिया, संघ से शुरू करके अपना सफर राजनीति तक लेकर गया। अटल जी वो ऐसे नाम है जिन्होंने राजनीति के हर पहलू को बखूबी से देखा और समझा है। वो अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर चुके जो उन्होंने ठान लिया था। गीत नया गाता हूँ टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही कुछ अलग थे, छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़ गए, संघ की शाखाओं में जाते थे और उसके बाद देशभक्ति की कविताओं के साथ साथ अपनी कविताएं भी खूब सुनाया करते थे। राजनीति शास्त्र में एमए किया, चुनावी राजनीति में भी उन्होंने खूब हिस्सा लिया। अटल जी ने पत्रकारिता को अपना करियर चुना। राष्ट्रवादी विचारधारा की पत्रिकाओं पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन का उन्होंने संपादन भी किया। लेकिन वाजपेयी जी के बोलने के असाधारण किस्से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक पहुंचे। इन दोनों शख्सियतों से मुलाकात के बाद अटल जी ने सियासत में कदम रखा और 1951 में भारतीय जनसंघ के सदस्य बने। 1956 में अपना पहला लोकसभा चुनाव हारने के बाद 1957 में बलरामपुर लोकसभा सीट से जीतकर अटल जी पहली बार संसद पहुंचे। फिर तो पूरी संसद उनके भाषणों की मुरीद हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो ऐलान कर दिया था कि एक दिन ये शख्स देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मुझे लगता है कि उस समय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के यहवा पर सरस्वती बैठी हुई थी कि संसद में ही वो कहा था उन्होंने कि यहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये नवयुवक कभी न कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। सचमुच वो भारत के प्रधानमंत्री बन ही गए।
1968 से 1973 तक अटल जी जनसंघ के अध्यक्ष रहे। इंदिरा गांधी की सरकार में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के विरोध में वाजपेयी जी बैलगाड़ी से संसद पहुंचे। आपातकाल के दौरान अटल जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद इंदिरा सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। एक प्रकार से अटल जी को और मुझे मुरारजी भाई ने चॉइस दिया कि आप क्या पसंद करेंगे। मैं मानता हूं कि अटल जी ने भी उनको कहा कि मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री दे दीजिए तो मैं न्याय करूंगा। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में वाजपेयी ने जब हिंदी में ललकारा तो दुनिया दंग रह गई। जहां तक भारत का संबंध है, हमने ये बात बार बार स्पष्ट की है कि हम युद्ध नहीं चाहते। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो अटल जी उसके अध्यक्ष बने और संसदीय दल के नेता भी। मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 90 के दशक में अयोध्या और राम मंदिर मुद्दा गर्म था। भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी के रूप में खड़ी हो रही थी। लोकसभा में बीजेपी के 119 सांसद थे। अयोध्या मुद्दा छाया हुआ था। अयोध्या में कार सेवकों का हुजूम पहुंच चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी कट्टरता के कतई समर्थक नहीं थे, लेकिन यहाँ सवाल पार्टी के हित का था, लिहाजा अटल जी ने वही कहा जिसकी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। नुकीले पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में भारी तादाद में मौजूद कार सेवकों ने विवादित ढांचे को तहस नहस कर दिया। देश की धर्मनिरपेक्षता तारदार हो गई। तब अटल जी ने संसद में पार्टी लाइन से अलग जाकर इस विध्वंस की निंदा कर डाली। अटल बिहारी वाजपेयी का कद लगातार बढ़ रहा था। साल 1996 में जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार की बात आई तो बीजेपी ने अटल जी का नाम आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि मुझसे भी तो बात नहीं की। मैंने कहा आपसे बात करके क्या करता मैं, मेरी अपनी, और मैं आपको कह सकता हूं कि आखिर तो अध्यक्ष के नाते इतना तो अधिकार है ही मुझे, यही मैंने कहा उनको। वो बहुत उस दिन खिन्न हुए मुझसे, दुखी तो नहीं कह, लेकिन मुझसे खिन्न हुए कि मुझसे बात किए बिना ऐसे कैसे घोषणा कर दी, और वो भी शिवाजी पार्क के उस बड़ी बस सभा में। 16 मई 1996 ये वो तारीख थी जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत के अभाव में 13 दिनों के अंदर ही ये सरकार गिर गई। सरकार तो गिरी, लेकिन संसद में जिसने अटल जी का भाषण सुना उसके दिल में उतर गए अटल बिहारी वाजपेयी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पूरे जीवन में कभी हार नहीं मानी। अटल जी के बोलने की शैली, उनका दृढ़ निश्चय, व्यक्तित्व सबको उनका मुरीद बना लेता। अपनी बात को पूरे दम से रखना आज के कई सियासत के दलों ने अटल जी से ही सीखा है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मंच हो, महफिल हो या फिर संसद का सभागार, अटल बिहारी वाजपेयी की दहाड़ जर्रे जर्रे में समाई हुई है। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं। सिद्धांतों की सियासत और अटल जी एक दूसरे के पर्याय हैं। मुझ पर आरोप लगाया गया है, और ये आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है।
आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। हुकूमत ने मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ।